फूड कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं ओट्स के पैनकेक। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही कम सामानों में हम इसे आज बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए पहले मैंने ले लिया है एक बोल, उसके अंदर डालूंगी मैं आधा कप गुड़। उसे मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिया है, आप चाहो तो चीनी भी ले सकते हैं। और उसमें मैं डालूंगी आधा कप दूध, रूम टेम्परेचर का दूध है ये। और उसके साथ ही मैं डालूंगी ये नटमेग पाउडर यानी जायफल का पाउडर और दो चुटकी के करीब नमक। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी गुड़ हमारा इसमें अच्छे से मेल्ट होना चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे ओट्स, एक कप ओट्स लिए हैं मैंने, उसे मिक्सी में मैंने थोड़ा सा चर्न कर लिया था। अब इसके अंदर डाल देती हूँ मैं, और डालूंगी मैं 1/4 कप गेहूं का आटा, आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हैं। और डालूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और डालूंगी 2 टेबलस्पून ओट्स। इसे मैंने ऐसा ही डाल दिया है, इसे मिक्सी में मैंने इसे बारीक नहीं किया है। मिक्स करेंगे और पानी लगेगा तो हम इसमें ऐड करेंगे। काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे और आधा कप दूध। आप चाहो तो पूरा पानी भी ले सकते हैं या फिर दूध भी ले सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। ये देखिए अच्छा से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, स्मूथली ये नीचे गिरना चाहिए। अब हम इसके बनाते हैं पैनकेक। तवे पे थोड़ा सा हम घी लगा देंगे ताकि हमारे पैनकेक अच्छे से निकल आए, चिपके ना। अब हम एक चम्मच से डाल देते हैं पैन पे ये बैटर। छोटे छोटे साइज के हम बनाएंगे, एक ही बारी में जितने आते हैं उतने डाल दीजिए। तो मैं 2 डाल रही हूँ एक ही बारी में, और गैस की फ्लेम हम मीडियम करेंगे। तो हमारा ऊपर का साइड सूख चुका है पैनकेक का, हम इसे पलटेंगे और ये भी पलटेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये पलट रहा है। अब हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे और दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ही फटाफट होते हैं और बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। ठीक हो गए हैं दोनों साइड से, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं बाकी के पैनकेक भी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पैनकेक बन चुके हैं, मैं इसे निकाल लेती हूँ। कितने अच्छे से सीख चुके हैं, इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और सर्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हो गए हमारे बहुत ही टेस्टी पैनकेक तैयार। इसे हम गार्निश करेंगे चॉकलेट सॉस से। आप चाहो तो शहद भी इसमें लगा सकते हैं या फिर मलाई लगा सकते हैं, व्हिप क्रीम लगा सकते हैं, आपके मन पसंद आप इसका डेकोरेशन कर सकते हैं। तो सभी को पसंद आती है, बच्चों को खासकर बहुत पसंद आती है, तो ज़रूर बना कर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।